बड़ी अदालत में बड़ा केस, फैसले का सभी को इंतजार। पनामा केस का फैसला अब सिर्फ 26 घंटे दूर। पूरा मुल्क तारीखी फैसले के लिए बेकरार। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकम्मल करने का फैसला 56 रोज कबल महफूज किया था। तुलना है तो सबको एक ही तराजू में तुलना होगा। पानामा के फैसले से कबल सियासी हलचल, वजीर आजम नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। पानामा के फैसले पर मुशावरत, इजलास में वुज़रा, आईनी और कानूनी टीम की शिरकत, इम्कानी फैसले के असरात पर बातचीत। हुक्मरान जमात के साथ तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी भी सरगर्म हो गई। इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास 5 बजे बुला लिया। आसिफ अली जरदारी ने सीनियर रहनुमाओं को इस्लामाबाद तलब कर लिया। जमात इस्लामी कल पनामा फैसले के बाद सर जोड़ेगी। मशाल खान कत्ल केस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने पिशावर हाई कोर्ट को जुडिशियल कमीशन बनाने से रोक दिया। 80% तहकीकात मुकम्मल, जल्द चालान पेश करेंगे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा, फिक्र ना करें, अदालत और कौम आपके साथ है। नतायज चाहे तहकीकात की निगरानी खुद करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क। बेनजीर एयरपोर्ट पर खातून मुसाफरों पर तशद्दुद का मामला, तशद्दुद करने वाली खातून अहलकार गजाला शाहीन मुअत्तल। मीडिया पर खबर आने पर डीजी एफआईए को भी होश आ गया, फ्रीकैन को अपने दफ्तर तलब कर लिया। आर्टिकल 147 के तहत रेंजर्स पुलिसिंग ड्यूटी नहीं सर अंजाम दे सकेगी। रेंजर्स ने 23 मकामात पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देने से माजरत कर ली। सिंध हुकूमत ने 23 मकामात को हसार करार देते हुए उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी रेंजर्स पर आयद कर रखी है। गर्मी गजब ढा रही है, बिजली जाए जा रही है, सबर के घूंट पिलाए जा रही है। शॉर्टफॉल 6955 मेगावाट तक पहुँच गया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग, गैर अलानिया लोड शेडिंग पर शहरियों के सबर का पैमाना लबरेज। शेखपुरा मेल एस्को सर्कल ऑफिस पर धावा, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। बाबरी मस्जिद शहादत केस, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती के खिलाफ साजिश रचाने के इल्जाम की दोबारा तहकीकात की इजाजत दे दी। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को हिंदुओं ने शहीद कर दिया था। फैसलाबाद की पुरानी सब्जी मंडी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन, टीएमए ने पुख्ता तजावजात गिरा दी। दुकानदारों का एहतजाज, राजबा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुश्तिल मुजाहरीन की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के डंपर पर चढ़कर शदीद नारेबाजी, 5 अफराद गिरफ्तार। कशकोल तोड़ने के दावे धरे के धरे रह गए। विफाक और पंजाब ने बजट फंडिंग के लिए वर्ल्ड बैंक हुकाम को शीशे में उतार दिया। रोजनामा 92 न्यूज में इंकशाफात पर मबनी रिपोर्ट। रावलपिंडी के इलाके गोजर खान में मुखालिफिन की फायरिंग, 3 नौजवान जांबहक फायरिंग। होटल के बाहर बैठे 3 दोस्तों पर की गई, पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। तलागंग में पंजाब असेंबली की सीट PP23 का ज़मीनी इलेक्शन नून लीग ने जीत लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के शहरियार अवान को 71,198 वोट मिले। PTI के सुल्तान सरखरू के 51,063 वोट। लीगी उम्मीदवारों के डेरे गुलान का जश्न, मिठाई बांटी गई। मेरी बेस्ट विशेस हैं 92 के साथ। ये जो अखबार निकल रहा है 92, उसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, सच्चाई होगी, माशरे की हकीकी अक्कासी होगी। अखबार के जरिए आप तक अच्छी अच्छी और अहम खबरें भी पहुंचती रहेंगी। रोजनामा 92 न्यूज की कराची से अशाक, फनकार बिरादरी की पेश की ढेरों मुबारकबादें। अदाकारा शबनम, नदीम बेग, मुस्तफा कुरैशी, आदिल मुराद, सैयद नूर और दीगर का नेक तमन्नाओं का इजहार। फनकार बिरादरी का कहना है कि चैनल की तरह अखबार भी सच्ची और हकायक पर मबनी खबरें शाया करेगा।
मोदी तेरी सरकार, रहते हैं गरीब बेयारों मददगार। भारतीय रियासत आसाम में गांव तक सड़क ना होने पर गरीब शहरी को भाई की लाश साइकिल पर ले जाना पड़ी। वाकई की फुटेज आने पर बीजेपी पर शदीद तनकीद। और अब लॉटरी पर अमरीकी ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। अमरीकी सदन ने H-1B वीजे पर मजीद रुकावटें लगा दी, तो अपने इस्तेहाद के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। आरजी वीजों का हुसूल भी मुश्किल हो गया।